पैकर्स एंड मूवर्स। बीदर नाम के गांव में इजी पैकर्स एंड मूवर्स नाम का कंपनी हुआ करता था। वे पुराने घर से नए घर में सामान शिफ्ट करना, कोरियर सर्विस जैसे काम ऑटो और ट्रकों में करते थे। एक बार घर के सामान को पैक करके ट्रक में चढ़ा रहे थे कि घर का मालिक, अरे अरे ध्यान से भाई, इतनी बड़ी अलमारी को सिर्फ दो लोग उठा रहे हो, एक और आदमी को ला सकते थे ना, आपका काम भी जल्दी हो जाता। सर, आपने जो कहा वो सही है, हम कई दिनों से एक और आदमी की तलाश में हैं, पर अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर आप किसी को जानते हो तो बताइए प्लीज। थोड़ी देर बाद सारा लगेज को ट्रक में चढ़ाने के बाद चलो चलो कहकर निकल पड़े। उस दिन शाम को दफ्तर में वे दोनों बैठकर यूं बातें करने लगे। अरे यार, कब तक हम दोनों ही यूं काम करते रहेंगे, एक और की जरूरत है। हाँ यार, सारा सामान हम ही उठाएं और फिर ट्रक भी चलाकर जाएं, ये मुश्किल है। चलो एक और आदमी को ले लेते हैं, कहकर एक बोर्ड लगाया, वांटेड कोरियर बॉयज। कुछ दिन बीतने पर भी जब कोई कोरियर बॉय ना मिला तो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। तब तक एक आदमी आया और मैं कमिंग सर, उसने पूछा। उसे अंदर बुलाकर उसका इंटरव्यू लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत है सर, मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है, पैकिंग करना मेरा पैशन है, ये एक कला है सर। आर्ट का मतलब पैकिंग, पैकिंग का मतलब आर्ट, यूं वो नॉनस्टॉप बोलने लगा, ये सोचकर कि अगर उसको ना रोका तो वो बोलता ही जाएगा। उन्होंने कहा, वेरी गुड वेरी गुड, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। नो सर, मैं आज ही ज्वाइन कर लेता हूँ, एनी प्रॉब्लम, कहकर उसी दिन ज्वाइन हो गया। थोड़ी देर बाद बॉस ने उसको बुलाकर, रंजीत इस पैकेट को सेक्टर 63 में राहुल जी को दे देना, वे हमारे कंपनी के खास कस्टमर हैं, काफी भारी है, ध्यान से। डोंट वरी सर, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी छोटी उंगली में वजन उठा सकता हूँ, अपने साथ किसी को ले जाओ। क्या बात करते हैं सर, ये फौलादी बॉडी है, कहकर चल पड़ा। सारा लगेज ऑटो में चढ़ाकर उस पते पर जा पहुंचा। चूंकि बहुत भारी था, ध्यान से उसे उठाकर ले गया और घर की घंटी बजाई। आ गए, ये क्या, इतना वजन तुम अकेले ने उठाया? हाँ सर, मैंने अकेले उठाया। स्टूपिड फेलो, जानते हो ये पैकेज कितना इंपॉर्टेंट है, गलती से नीचे गिरता तो पैकेज को जमीन पर घसीटते हुए ला सकते थे ना, कम से कम रॉड्स पर रोल करके ला सकते थे। सिल्ली फेलो, कहकर उसे डांटने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लगे। अपमानित महसूस करते हुए, सर जरा धीरे बोलिए, यूं जोर से ना बोलिए, पीपल आर वॉचिंग अस सर। क्या धीरे बोलूं? मैं चिल्ला रहा हूं, ऊपर से अंग्रेजी, क्यों मैं नहीं जानता, तुम पहले यहां से दफा हो जाओ, गेट आउट। हताश होकर रंजीत वहां से जाते जाते, मैं इतनी मेहनत से उसका सामान लाया तो मुझे खरी खोटी सुनाता है, कहकर मन में सोचा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने आकर रंजीत से, रंजीत आज भी ये पैकेट राहुल जी को डिलीवर करना है। ओके बॉस। उस पैकेट को देखा, उस पर लिखा था हैंडल विथ केयर। अच्छा, हैंडल विथ केयर, ठीक है, सोचकर वो लगेज लेकर वहां से निकला। रंजीत एक बार राहुल की बातों को याद करने लगा, बोला था ना कि सीढ़ियों में रोल करके ले आना, ठीक है, कहकर रंजीत ने उस पैकेट को स्टेप्स पर रोल करने लगा। फिर क्या, अंदर टंग टिंग ठप कहके कुछ टूटने की आवाज आने लगी। बाद में पैकेट को जमीन पर रखकर पैरों से सरकाने लगा। हैंडल विथ केयर, कहकर पैकेट को हवा में उछालकर पकड़ने लगा। रंजीत राहुल के पास आकर, सर आपका पैकेट आया है सर, मैंने बहुत अच्छा हैंडल किया सर, सीढ़ियों पर इसे रोल किया, फर्श पर रखकर घसीटा,
आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया सर। राहुल ने सहमे सहमे से पैकेट को खोला। राहुल, चाइना से खास इंपोर्ट किया था इस स्पेशल ग्लासवेयर को। हाय रे, ये तूने क्या किया, कहते हुए उसको मारने लगा। सुब्बैया की सफलता। बहुत पहले डोरनकल नाम का एक गांव था, उसमें सुब्बैया नाम का गडरिया रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वो हर रोज उस गधे पर सवार होकर भेड़ चराता हुआ जंगल की ओर जाता था। गधे पर सवार हुआ उसको देखकर लोग हंसते थे। इसमें हंसने वाली क्या बात है, मेरा गधा मेरी मर्जी, कहीं लिखा है क्या कि घोड़े पर ही सवार होना चाहिए, बस दांत बहुत दिखा चुके, जाकर अपना काम करो, कहकर डांटता था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। रात होते ही उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए अंधेरे होने से पहले ही घर पहुंच जाता था। एक बार किसी वजह से देर हो गई और अंधेरा होने के बाद सड़क पर घर लौट रहा था। इतने में एक कार लाइट ऑन करके सामने से आ रही थी। सुब्बैया उसके सामने रोड पर ही खड़ा हुआ। वो कार ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया। जब सुब्बैया वहाँ से ना हिला तो वो कार से उतरकर सुब्बैया के पास आकर, क्यों भाई रोड के बीच में खड़े रहोगे तो हम जाएंगे कैसे, हॉर्न बजा रहा हूँ सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या, कैसे पता चलेगा कि वो कार है। मैंने सोचा कि दो बाइक साथ साथ आ रहे हैं, मैंने सोचा उनके गुजर जाने के बाद चलूंगा, इसीलिए रुक गया, इसमें मेरी क्या गलती है। दो बाइक, अरे भाई ये कार है, लगता है तुम्हारी अकल रत्ती भर भी नहीं है, चलो हटो। इसी तरह एक दिन भेड़ को लेकर सुब्बैया जंगल गया। एक पेड़ के नीचे लेटा और गहरी नींद में सो गया। शाम हुई तो गधा और भेड़ घर लौटे। काफी अंधेरा हो चुका था, तभी एक बड़ा शेर वहां आया। तभी नींद से जागा सुब्बैया, अरे लगता है अंधेरा हो गया, भेड़ घर लौट गए, गधा यहीं खड़ा है। यूं सोचकर शेर पर चढ़कर बैठ गया। चल चल घर, चलो चलो घर, यूं कहने लगा। शेर भी उसके घर की ओर चलने लगा। गांव में लोग उसे और शेर को देखकर डरकर भागने लगे। बाद में शेर पर सवार होकर घर आया, उस शेर को एक खूंटे से बांध दिया। अरे बाप रे, ये क्या, शेर शेर, ये क्या है जी, आप शेर को घर लाए, शेर। क्या मैं शेर को घर लाया हूँ, मैं गधा समझकर उसे लाया, अब क्या करें। आप सवेरे महाराज को ये सूचना दे, वो सिपाहियों को इसे जंगल छोड़ने का आदेश देंगे, तब तक इसके पास न जाए। अगले दिन सवेरे शत्रुओं के सैनिकों ने युद्ध करने के लिए आकर वहाँ पे पड़ाव डाला। ये एक सिपाही ने देखकर तुरंत महाराज को इसकी सूचना दी। महामंत्री क्या करें, हम उन पर हमला करें या उन्हें यहाँ आने की प्रतीक्षा करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे काफी बलवान हैं महाराज, उनकी सेना भी बहुत बड़ी होगी। मेरा अनुमान है कि वो दिन में नहीं रात को हमला करेंगे। उन्हें मानसिक रूप से मात देने की योजना बना रहा हूँ महाराज। इतने में सुब्बैया वहाँ आया। महाराज आपके बातचीत में रुकावट डालने के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे रतौंधी की बीमारी है। कल रात को मैं अपना गधा समझकर एक शेर पर सवार होकर घर लौटा, उसे घर पर खूंटे से भी बांध दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उसे जंगल में छोड़ने का प्रबंध करें महाराज, मुझे डर है कहीं वो मुझे खा ना जाए। क्या बात कर रहे हो, क्या ये सच है। हाँ महाराज ये सच कह रहा है, मैंने भी देखा। तभी महामंत्री को एक उपाय सूझा। सुब्बैया तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया, तुम्हारे कहे अनुसार शेर को जंगल में छोड़ देते हैं, पर उसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। महाराज मेरी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कहिए। आज शाम को अंधेरा होते ही तुम्हें सिपाही के वेश में अपने गधे पर सवार होकर जंगल में उत्तर की ओर जाना होगा। जाते हुए किस में है इतना साहस, मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम हो तो आ जाओ देख लेते हैं, ऐसे चिल्लाना है ठीक है। सिपाहियों आप लोग जाकर शेर को जंगल में छोड़ाओ। उसके बाद सैनिक के बेस में सिपाहियों के साथ सुब्बैया घर आया। सिपाहियों मैं गधे पर सवार होकर जाता हूँ, आप कृपा करके शेर को ले जाकर जंगल में छोड़ दें, कहकर शेर के पास आकर उस पर सवार होकर तेजी से वहाँ से चला गया। चल चल चल, कहते हुए
जंगल में निडर होकर जाने लगा। शत्रु सैनिक शेर पर सवार सुब्बैया को देखकर कांपने लगे। कौन है जिसमें दम है? मैं अकेला ही काफी हूँ, आओ अगर दम है देख लेते हैं, वो जोर से चिल्लाते हुए जाने लगा। ये देखकर सेनापति, अरे बाप रे, अगर एक सिपाही शेर पर सवार होकर यूं निडर होकर आ रहा है तो क्या होगा जब सारी सेना हम पर टूट पड़ेगी, भागो सब भागो यहाँ से, कहकर भागने लगा। सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। महाराज ने बाद में सुब्बैया को बहुत इनाम भी दिया। एटीएम का चोर। लाला नगर गांव में एक नया बैंक खोला था, उसके साथ ही एक एटीएम भी खोला। उसका उद्घाटन कलेक्टर ने रिबन काटकर किया। कलेक्टर साहब, पहले गांव में बैंक ना होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी, बैंक हो या एटीएम उसके लिए हमें पड़ोस के गांव पैदल जाना पड़ता था, पर अब आपके कारण ये बैंक हमारे गांव आया है, आपको धन्यवाद। मैनेजर साहब, आपको भी गांव की ओर से धन्यवाद। तब सब ने ताली बजाई। लोगों को जब भी जरूरत होती थी तो एटीएम में जाकर कार्ड डालकर नंबर दबाकर पैसे निकालते थे। उस एटीएम का वॉचमैन था बहादुर। कई दिनों तक लोग उसका प्रयोग करते हुए बहुत खुश थे। अरे यार, एटीएम के आने से काम आसान हो गया है, ये लो अभी विड्रॉ किया है, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ले लो। ये ना होता तो पड़ोसी गांव जाना पड़ता था, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, कहकर पैसे ले गया। इस तरह एटीएम का प्रयोग करते हुए गाँव के लोग आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति एटीएम से रुपए विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, पर एटीएम से एक पर्ची बाहर आई, उसमें लिखा था नो मनी। बहादुर, एटीएम में पैसे नहीं है क्या? कल दोपहर को ही पैसे भरे थे, पैसे ना हो ये कैसे हो सकता है, कोई गलती हो गई होगी, दोबारा ट्राई करें। उसने फिर कोशिश की तो पैसे नहीं आए। इस तरह रोज कोई ना कोई आता था, पैसे ना होने के कारण बहादुर से झगड़ा करके चला जाता था। यूं लड़ते हुए कुछ लोगों से बहादुर, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, एक दिन छोड़कर एक दिन इसमें पैसे भरते हैं, पर जल्दी खत्म हो जाता है, कैसे क्यों समझ में नहीं आता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे डांट कर आपको क्या मिलेगा, मैंने ये बात मैनेजर को कई बार बताया है, मैं एक बार फिर जाकर उन्हें बताता हूँ, आप बाद में आए। यूं बहादुर बैंक मैनेजर के पास गया। सर, एटीएम में पैसे डालते ही खत्म हो जा रहा है, ये बात मैंने आपको कई बार बताया, लोग आकर झगड़ा कर रहे हैं, मुझे भी खरी खोटी सुना रहे हैं, मेहरबानी करके देखें कि क्या माजरा है। अरे तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है, कोई ज्यादा पैसे विड्रॉ करके चला गया होगा, इसके लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा काम है एटीएम की रखवाली करना, उसमें पैसे हैं या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये सब बैंक का काम है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। बैंक के बाहर आकर बहादुर थोड़ी देर सोचने लगा, उसे मैनेजर की बात ठीक नहीं लगी, वो तुरंत पैदल पुलिस स्टेशन गया, वहाँ एक एसआई से मिला, उन्हें सब कुछ बताया। इतनी बड़ी रकम निकालने वाला इस गांव में कौन है, इतने दिनों से तुम मैनेजर को बता रहे हो पर फिर भी वो क्यों इसकी परवाह नहीं कर रहा है, हमें इन सवालों का जवाब चाहिए, चलो चलते हैं। उस दिन रात को मैनेजर छिपकर बैंक के पास आया, ये सब एसआई और बहादुर देख रहे थे। मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर गया, खिड़की से दोनों देख रहे थे, एसआई ने अपने मोबाइल से वीडियो निकालने लगा। मैनेजर एक दीवार के पास जाकर, वहाँ एक गुप्त दरवाजा था, वो एटीएम के पिछले हिस्से से कुछ स्क्रू निकाल कर एक कोड दबाया, बस एटीएम खुल गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे, उनमें से थोड़े रुपए लेकर बैग में डाला, बाद में आराम से बैंक को ताला लगाकर चला गया। ये सब देख एसआई और बहादुर ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कह रहे हो कि चोर पकड़ा गया। अगले दिन एक एम्बेसडर कार बैंक के बाहर आकर रुकी, उसमें से कुछ अफसर उतरकर बैंक में आए।
मैनेजर से। आप ही हैं मैनेजर? हम ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं। सारा अकाउंट्स दिखाइए, चेक करना है। उन्होंने सारा बुक चेक किया, तब ऑडिटर। जब से ये बैंक खुला है एटीएम में 30 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ 10 लाख विड्रॉ हुए हैं। बाकी रुपए कहाँ गए हैं? मैनेजर। सर, इसे मेरा क्या लेना देना, उसका तो वॉचमैन भी है, डिपॉजिट करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तब एसआई और वॉचमैन वहां आए। एसआई, डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी और विड्रॉ करने की जिम्मेदारी भी आपकी। ये लीजिए सर इसका सबूत। वो देख मैनेजर दंग रह गया। उसके बाद मैनेजर ने उस जुर्म के लिए जेल की सजा भुगती। इसीलिए कहते हैं एक ना एक दिन चोर पकड़ा जरूर जाता है, सच है ना?